हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के फ्री PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी कॉमर्स विदाउट स्पेस, या आप इस QR कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड टोटल 15 क्वेश्चंस। मैंने MBO से रिलेटेड एक वीडियो पहले ही बना लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें तब इस वीडियो में आएँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो में आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो आप करेक्ट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किनको हम फादर ऑफ MBO के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पीटर एफ ड्रकर को हम फादर ऑफ MBO के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रसिद्ध किया है, और उन्होंने एक फेमस बुक लिखा द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ईयर है 1954, ये आप ईयर याद रखिएगा। ये है पीटर एफ ड्रकर। यहाँ पे पीटर एफ ड्रकर का पूरा नाम याद रखिएगा, पीटर फर्डिनेंड ड्रकर। ये है क्वेश्चन नंबर 2। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको ऑड वन बताना है जो अलग हो। यहाँ पे MBO का अलग अलग नाम आपको दिया गया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का अलग अलग नाम दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नाम नहीं है। तो MBO को हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स के नाम से जानते हैं, मैनेजमेंट बाय गोल्स के नाम से जानते हैं। MBO को हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के नाम से नहीं जानते हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में ऑड वन पूछ रहा है जो इन चारों में से अलग हो। आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, या इसको हम शॉर्ट में MBE कहते हैं, ये भी बताऊंगा, और इस पे एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल में। बाकी क्वेश्चन में मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा MBO का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता नहीं है। तो पहला है सेटिंग ऑफ गोल्स। तो सेटिंग ऑफ गोल्स जो है वो MBO का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके अंतर्गत जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव होता है वो ज्वाइंटली या म्यूचुअली, संयुक्त रूप में हिंदी में आप कह सकते हैं, यानी आपस में डिस्कस करके निर्धारित किया जाता है। और ये जो लक्ष्य हैं वो 3 लेवल्स पे डिसाइड किए जाते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, दूसरा होता है डिपार्टमेंटल लेवल, तीसरा होता है इंडिविजुअल लेवल। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा दिया है सेटिंग ऑफ टाइम। तो MBO के अंतर्गत किसी भी कार्य को संपन्न करने का, पूरा करने का एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है, एक समय निर्धारित किया जाता है प्रत्येक उद्देश्य का, ताकि उस समय के अंतर्गत हम उसको कंप्लीट कर सकें। थर्ड ऑप्शन दिया है चेंज इन थिंकिंग। तो MBO की ये विशेषता है कि MBO के अंतर्गत जो भी स्टाफ होते हैं उनके थिंकिंग प्लस डूइंग, कार्य करने के जो पैटर्न है ये याद रखिएगा, कार्य करने के जो तौर तरीके हैं उसमें बदलाव किया जाता है, उसमें चेंज किया जाता है, तो ये भी एक विशेषता है। आखिरी ऑप्शन दिया गया है इम्फेसाइज ऑन सेंट्रलाइजेशन। तो MBO की ये विशेषता है कि MBO के अंतर्गत सेंट्रलाइजेशन पे फोकस नहीं किया जाता, MBO के अंतर्गत डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन किसका? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके अंतर्गत जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी कुछ अथॉरिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देती है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो अपनी कुछ अथॉरिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे देती है। इस तरीके से जो बर्डन होता है कार्य का वो बढ़ जाता है। तो MBO के अंतर्गत डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया जाता है, न कि सेंट्रलाइजेशन पे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा MBO का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो केवल इम्पॉर्टेंट, जो सिग्निफिकेंट जो चीज़ें होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होता है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। तो वो है MBE यानी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन
ये जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके पास सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट इश्यूज पहुंचने चाहिए। जो छोटे मोटे जो रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं पहुंचने चाहिए, वो लोअर लेवल पे ही, अपने लेवल पे ही सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो में आप सिर्फ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से रिलेटेड इतना ही जानिए। मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल में मैं आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किसने पीटर एफ ड्रकर के अलावा जो एमबीओ का कॉन्सेप्ट है उसको पॉपुलराइज किया। तो पीटर एफ ड्रकर के बाद जीएस ऑडियन जो है उन्होंने एमबीओ के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करने में हेल्प की। ये हैं जीएस ऑडियन, इनका पूरा नाम आप याद कर सकते हैं, जॉर्ज स्टैनली ऑडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इसको किसने लिखा? तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट लिखा गया पीटर एफ ड्रकर द्वारा, ईयर है 1954। ये है वो बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और ईयर है 1954, 1954। ये ईयर आप ज़रूर याद रखिएगा, आपको बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको एमबीओ का पूरा नाम पूछ रहा है, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एमबीओ का पूरा नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमबीओ के अंतर्गत जो भी लक्ष्य का या उद्देश्य का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया कि जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो 3 लेवल्स पे होता है। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, दूसरा होता है डिपार्टमेंटल लेवल, और तीसरा होता है इंडिविजुअल लेवल। तो ये तीनों जो लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है डिसाइड होता है वो म्यूचुअली होता है या जॉइंटली भी हम कह सकते हैं, और हिंदी में इसको संयुक्त रूप से कह सकते हैं। तो एमबीओ के अंतर्गत जो भी उद्देश्य का निर्धारण होता है वो संयुक्त रूप में होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो नहीं होता है, टॉप मिडल द्वारा नहीं होता है, टॉप मिडल द्वारा होता है लेकिन ये जॉइंटली होता है, यहाँ पे जॉइंटली नहीं दिया है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। थर्ड दिया है मिडल मैनेजमेंट, तो इनके द्वारा भी नहीं होता, तो यहाँ पे सुटेबल जो आंसर है वो है डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि एमबीओ प्रोग्राम जो होता है वो क्या टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम सेविंग होता है, या इन दोनों के अलावा कुछ होता है, या नन ऑफ द एबव? तो एमबीओ प्रोग्राम जो होता है वो टाइम टेकन होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी एक मैनेजमेंट को करना पड़ता है और बहुत सारे उसके लिए अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्राम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जिसको लिखा है पीटर एफ ड्रकर ने, आपको बताना है कि कब पब्लिश किया गया था। तो मैंने आपको बताया कि 1954 में द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो बुक है वो पब्लिश हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एमबीओ के अंतर्गत किस पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, किस पे ज़्यादा हम जोर देते हैं? तो एमबीओ के अंतर्गत हम सेल्फ कंट्रोल पे एम्फेसाइज करते हैं। सेल्फ कंट्रोल को हम इंटरनल कंट्रोल भी कहते हैं। अब सेल्फ कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब होता है? एमबीओ ये कहता है कि एम्प्लॉय जो है वो खुद से मोटिवेट हों, खुद से कार्य करें, उनको किसी प्रकार की फोर्स करने की ज़रूरत ना हो, किसी प्रकार का स्ट्रिक्ट सुपरविजन ना हो। एमबीओ थ्योरी वाई में बिलीव रखता है। थ्योरी वाई ये कहता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो खुद से कार्य करते हैं, उनको किसी प्रकार के स्ट्रिक्ट सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है। और थ्योरी एक्स और वाई को दिया है डगलस मैकग्रेगर, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो एमबीओ जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज देता है इंटरनल कंट्रोल पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमबीओ किसके लिए बेनिफिशियल है? तो एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियल है, एम्प्लॉय के लिए भी है, कस्टमर्स के लिए भी है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब एम्प्लॉयर्स के लिए क्यों है? क्योंकि एमबीओ की सहायता से जो भी प्रोडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, एम्प्लॉय जो है उनका एक्सीडेंट जो होता है वो कम होता है, एब्सेंटिज्म जो होता है जो भी कर्मचारी ज़्यादा छुट्टी लेते हैं उसमें भी कमी आती है, लेबर टर्नओवर यानी कितने कर्मचारी जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं उसमें भी कमी आता है, और ग्रीवियांसिस में भी कमी आता है यानी स्टाफ की जो भी परेशानियाँ हैं उसमें भी कमी आती है। तो एम्प्लॉयर्स के लिए भी एमबीओ प्रोग्राम जो है वो बेनिफिशियल है, एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि एम्प्लॉय को ज़्यादा अथॉरिटी मिलता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता है,
तो स्टाफ को एम्प्लॉय को ज़्यादा अथॉरिटी मिलता है, उनका मोरल हाई होता है, उनको रिकॉग्निशन मिलता है, अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। सो इस तरीके से उनका जॉब सेटिस्फेक्शन भी हाई होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि MBO बेनिफिशियल है एम्प्लॉयज़ के लिए भी। आखिरी है कस्टमर्स। तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके साथ में काम करते हैं तो जो कॉस्ट होता है वो भी कम होता है, तो अल्टीमेट ये बेनिफिट जो है वो कस्टमर को भी मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा MBO का फीचर नहीं। तो पहला ऑप्शन दिया है एम्फेसाइज ऑन होगा, यहाँ पे सॉरी एम्फेसाइज ऑन सेल्फ कंट्रोल, तो ये होगा क्योंकि MBO के अंतर्गत सेल्फ कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है एम्फेसाइज ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, तो MBO का ये फीचर है कि MBO के अंतर्गत डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। नेक्स्ट है टाइम सेविंग प्रोसेस, तो MBO जो है वो टाइम सेविंग नहीं बल्कि टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये आपका फीचर नहीं है। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो MBO के अंतर्गत हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, डिपार्टमेंटल लेवल और इंडिविजुअल लेवल पे सेट किए जाते हैं, तो इसको हम हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं और इसको दिया है मेसी और डगलस ने, तो ये भी एक फीचर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास चार स्टेटमेंट दिया है, आपको राइट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि MBO के अंतर्गत सेल्फ कंट्रोल पे एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि MBO के अंतर्गत सेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि MBO के अंतर्गत चेक पॉइंट्स जो है वो स्टेब्लिश नहीं किए जाते, तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि MBO के अंतर्गत चेक पॉइंट्स स्टेब्लिश किए जाते हैं। चेक पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, रिव्यू होता है, यानी समय समय पे जो स्टाफ होता है वो चेक करता है कि उसने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो कहाँ तक वो अचीव कर पाया है, वो अपनी ग्रोथ को समय समय पे चेक पॉइंट्स के थ्रू चेक करता रहता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि MBO जो है वो एक कॉस्टली अप्रोच है, तो ये भी सही है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये स्टेटमेंट क्या है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर ट्रू, तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दिया गया है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू, तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन दिया गया है सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको चार स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे कहा गया है कि करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका इस्तेमाल हम मोटिवेशन के रूप में करते हैं, जबकि MBO के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसका इस्तेमाल हम नियंत्रण के लिए करते हैं। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को हम जनरल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका प्रयोग हम नियंत्रण के रूप में करते हैं, न कि मोटिवेशन के रूप में। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी उद्देश्य है, उसका निर्धारण हम टॉप मैनेजमेंट द्वारा करते हैं, जबकि MBO के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम म्यूचुअली या जॉइंटली डिटरमाइन करते हैं बाय टॉप मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो भी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है या जनरल मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव होता था वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता था, लेकिन MBO के अंतर्गत जॉइंटली किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है एम्फेसाइज है वो रिजल्ट पे होता है, जबकि MBO के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स पे होता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो भी एम्फेसाइज था, जो जोर था, वो परिणाम पे यानी रिजल्ट्स पे होता था और MBO के अंतर्गत जो भी एम्फेसाइज है वो ऑब्जेक्टिव पे होता है। आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत एम्फेसाइज किया जाता है एक्सटर्नल कंट्रोल पे, जबकि MBO के अंतर्गत हम इंटरनल कंट्रोल पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कंट्रोल का मतलब है स्ट्रिक्ट सुपरविजन।
ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत स्टाफ से काम कराने के लिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत पड़ती थी, यानी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो है वो थ्योरी एक्स में बिलीव करता है और एमबीओ जो है वो थ्योरी वाई में बिलीव करता है। थ्योरी एक्स ये कहता है कि जो स्टाफ हैं वो खुद से कार्य नहीं करना चाहते, उनसे कार्य कराना पड़ता है, जबकि थ्योरी वाई ये कहता है कि जो स्टाफ होता है वो खुद से कार्य करता है, उस पर किसी तरीके का स्ट्रिक्ट सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि थ्योरी एक्स और वाई जो है वो डगलस मैग्रेगर ने दिया है। तो यहाँ चौथे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो है वो एक्सटर्नल कंट्रोल पे फोकस करता है और एमबीओ जो है वो इंटरनल कंट्रोल पे फोकस करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर ट्रू, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो ये भी नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फर्स्ट यहाँ पे फॉल्स है और फोर्थ जो है वो ट्रू है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था एमबीओ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।